रहा है अभी बोलबम, और बोलबम जान के देखो कितने सारे लोग पीछे खड़े हैं इसमें, गाड़ी में है अभी, और यहाँ पर भी हैं सब लोग, देख रहे हो इधर सब पूरा पूरा अभी पेट्रोल भराने जा रहे हैं हम लोग, पेट्रोल भराएंगे डीजल भराएंगे जो भी है, तो वो भराने के बाद यहाँ से निकलेंगे, और अभी यहाँ से बिजेश्वरी जाना है, वहाँ से पूरा पैदल पैदल यहाँ मतलब सातवीं वली के आसपास आना है, तो लगभग जो कि 30-40 किलोमीटर का आसपास है, तो देखते हैं कैसा लगता है बोलबम में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो एक नारा ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं चुके हैं, और यहाँ पर सब लोग एक साथ आके अपना मतलब कांवर रख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सब लोग यहाँ पर कांवर वगैरह रख रहे हैं अपना, तो अभी कांवर रखने के बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है, तो वो हिसाब से प्रोग्राम चेक करके अपने यहाँ पर फोटोशूट चालू कर दी, फोटोशूट कर ओके हाय दोस्तों। तो फिलहाल अभी कांवर लेने आ गया, मतलब कांवर यहाँ पर रख दिया है, और देखते हैं आगे जैसा रहेगा वैसा आपको मिलता है, ठीक है। सो अभी हम लोग बिजेश्वरी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, मतलब नहाने के लिए जा रहे हैं, नहाने के बाद आएंगे और जल भरेंगे, तो वो भी दिखाता मैं आप लोग को, जल भरेंगे, जल भरने के बाद उसको प्रॉपर बांधेंगे, और जब यहाँ से पंडित जी एक आते हैं वो तो पूरा एकदम सबको एक साथ लाइन से लगवा के सबको छोड़ने वाले, तो वैसा अपन छोड़ेंगे, ये अपने गुप्ता जी और ये प्रदीप भाई, सब लोग एक साथ नहाने जा रहे हैं। अभी गर्म पानी ठंडा पानी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कैसे देखो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है, ये देखो रंजीत बताओ कौन सा पानी है, ये गर्म पानी है, गर्म हाँ उधर ठंडा पानी है, इधर गर्म पानी, ठंडा पानी में तो मैं तो बोलता पहले ठंडे पानी में नहा लो फिर गर्म में नहाओ ना रंजीत भाई। जा रहे हैं ठंडे पानी में नहाने के लिए, क्योंकि पहले ठंडा और फिर बाद में गर्म, नहीं तो हो जाएंगे हमको भरम, अब भरम के चक्कर में हो जाएगा कल्याण। यहाँ पे मुझे गांजे की स्मेल आ रही है, और रंजीत भाई, ये हमारे रंजीत भाई, पहले ठंडा यहाँ पे गर्म पानी है अभी, यहाँ पे गर्म पानी, ओह माय गॉड, सच में बहुत गर्म गर्म फील हो रहा है मुझे। अब अंदर चलेंगे लेकिन मोबाइल लेके जाएंगे, अभी अंदर जा रहे हैं, और अंदर ठंडा है लेकिन यहाँ पे गर्म है फिलहाल में, यहाँ पर अभी गर्म पानी था, ज़्यादा अंदर जाने से फायदा नहीं है, पानी नहीं है। हाँ यहाँ पे खड्डा है, खड्डे में आप नहा लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे गड्ढा है थोड़ा सा, उसमें डुबकी लगा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो पहले रंजीत भाई डुबकी लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे 5-5 बार, तो रंजीत भाई डुबकी लगाना शुरू करो, 1 2 3, अरे डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ 5 बार, डुबकी लगाने में तो नबुल्ले जैसे नहा चले हैं यार, डुबकी लगाओ, पानी नहीं है क्या आगे भी। तो देखो अभी गुप्ता जी कौवा स्नान करते हुए, और ये बड़ा गरम, हाँ ये इसको बोलते हैं डुबकी एक, अरे यार फोन आ गया, चलो नहा लो डुबकी मारो, चलो 5-5 डुबकी मारो, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, और ये अपने में वीडियो तो भेजो वही ना मेरे को। हाँ हाँ भाई हाँ, सबको वीडियो भेजेंगे सबको। सो फाइनली सब लोग वही मजे कर रहे हैं और यहाँ पे डुबकी ले रहे हैं, बम बम बोले, बम बम बोले, तो ऐसा कुछ चल रहा है अभी, और बस 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 रिलैक्स रिलैक्स बेबी बस, वीडियो शूट, हर हर महादेव। अरे लॉक कर दो, हो जाएगा, कौन सा दबाओ राइट वाला, लॉक करना हो जाएगा। तो फाइनली अभी हम लोग ने एकदम मस्त स्नान कर लिया भाई, सब लोगों ने, मैंने रंजीत भाई ने और प्रदीप भाई ने, इधर प्रदीप भाई सब लोग नहा लिए, कितने कुंड में नहाए, 7 कुंड में, पूरा 7 कुंड में नहाए हैं, और यहाँ नीचे पड़ी हुई है,
ये देखो अभी सब में लोटे लगे हैं, इसमें पानी जब मतलब जल भरा जाएगा तो इसको ढकेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर निकलना है। तो बात ये थी कि इतना गर्म पानी का है, ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि मतलब पानी इतना गर्म हो रहा है भाई, इतना गर्म हीटर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नीचे से पानी आ रहा है के। मजा बहुत है, एक नंबर। आने के बाद यहाँ पे एकदम दिल खुश हो जाता है, अच्छा लगा नहाने में, एकदम अच्छा लगा। सात कुल ठंडा पानी, गर्म तो इतना है ना, तो खुद और तुरंत बाहर आ जाओ भाई, इतना गर्म मतलब पेट की चमड़ी उतार देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, गर्म है। चलो फिर मिलते हैं, जब हम लोग कांवर लेके निकलेंगे तो फिर मिलेंगे आप लोग से वीडियो में आगे। जय भोलेनाथ, जय महादेव। सो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग काफ़ी दूर तक आ चुके हैं बोलबम, और सॉरी मैं इतना देर से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा धूप निकला है तो मैंने वीडियो बनाया, और अभी हम लोग ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं देखो, फिलहाल ये सब जो साथ में थे हम लोग के, और लोग आगे जा चुके हैं, ये रंजीत भाई। तो अभी हम लोग ने कावर रखा है यहाँ पर, जमीन पर नहीं सकते इसके लिए, और जस्ट अभी वेट किए हैं, एक चाय पियेंगे और उसके बाद फिर वापस से निकल जाएंगे। बहुत बुरी हालत हो गई, पूरा शरीर भीगा हुआ है और शायद कांच भी लग गया है, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरा पैर में देख रहे हो आप लोग, पैर में पूरे नस एकदम बाहर आ चुके हैं भाई, लाल लाल हो चुका पूरा एकदम, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। बट फिर भी जय शिव बोलबम, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, करके आगे जा रहे हैं। तो आगे अभी एक जगह पर्टिकुलर एक जगह पर अभी नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम भी है बहुत आगे जाने के बाद, जैसे मैं वहाँ पहुँचता आप लोगों को दिखाता हूँ, और उसके बाद मिलते हैं फिर अच्छे से। तब तक के लिए बोलबम, जय शिव। सो फाइनली अभी अपन विजयेश्वरी से निकल के विरार हाईवे के पास आ चुके हैं, हाईवे के पास, और लगभग 14-16 किलोमीटर 17 किलोमीटर चल लिए। तो अभी यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे गाड़ी से, और उसके बाद क्योंकि रोड आगे ख़राब है तो उसके हिसाब से जाने के बाद फिर आगे उतर के वापस से कंटिन्यू करेंगे, वरना पैर छिल जाएगा, बाहर पूरा वाट लग जाएगी। अभी गुप्ता जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पैर पूरे छूट लगा गए, तो इनको पहले से पैर में चोट लगा था तो थोड़ा तकलीफ हो गया ज़्यादा। और बाकी हमारे सामने ये राकेश और ये सोनू भाई, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, उतर के फिर आपसे मिलते हैं। मंदिर पे जाके पूरा परिक्रमा करेंगे, जल डालेंगे, सब वीडियो दिखाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सब लोग बोलो बोलबम, जय शिव बोलबम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो अभी फ़िलहाल आप लोगों ने जैसे देखा था कि मैं वहाँ गाड़ी में था, उसके बाद मुझे वहाँ से उतरना पड़ा। रीज़न ये था कि 2-3 लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब चलते चलते ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं कुछ रास्ते और सफ़र कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा काफ़ी रास्ते में सफ़र कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं गाड़ी से उतर गया, और अभी वापस से मैं रंजीत भाई के साथ और पीछे अपना दोस्त लोग सवार हैं। बहुत ज़्यादा अभी हालत मेरी भी ख़राब हो चुकी है एक्चुअली, क्योंकि पैर पूरा ही तरह से एकदम मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी है, तो समझ में नहीं आ रहा, बट फिर भी बोले आपका सहारा है, पहुँच तो जाएंगे ही। बहुत बुरी हालत हो गई है, पैर से लंगड़ लंगड़ के चल रहा हूँ मैं फिलहाल में बोलबम। देखते हैं यहाँ जाते हैं, अभी पहले चल रहे हैं, भोलेनाथ का सहारा है, आगे बढ़े जा रहे हैं। तो हाँ जी, अभी मिलते हैं अगले स्टॉप पे, जब सब एक साथ मिलेंगे, क्योंकि एक जगह सबको रुकाया गया है तो वहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को गाड़ी से छोड़ दिया गया जिसको उसमें तकलीफ थी। लगभग सब लोग ही चले गए हैं, हम लोग ही 5-6 लोग हैं जो लोग की पैदल आ रहे हैं, तो उनको रुका के रखा गया है। तो हम लोग फटाफट कोशिश करते पहुंचने की, इतना बुरी हालत हो गई कि चलने नहीं हो रहा, और मैं क्या बताऊं। तो ठीक है, मिलते हैं सबके साथ में, तब तक के लिए बोलबम, जय शिव, जय शंकर महाराज। हनी डीजे के वॉल्यूम बढ़ा दनु हो, निरहुआ के गाना बजा दनु हो, बोलबम बोलबम बोलबम। हनी डीजे के वॉल्यूम बढ़ा दनु हो,
कन्हिया पे कांवर करे माचार माचार बम बम बोले देवा घर हम लोग अपने एरिए में भी आ चुके हैं और गला पूरी तरह से बैठ चुका है एकदम से, आवाज़ ख़राब हो गई है। अभी सभी लोग एक साथ पीछे से आ रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। तो अभी आप लोग देख रहे हो इस तरह से हम लोग जा रहे हैं, देर में मंदिर में पहुँच जाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर मिलते हैं आप लोग से। तब तक बोलबम जय शिव का नारा। बम बोलबम 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 नारा गूंजे आठो पहाड़ बम बम बोले देवा बोलबम बोलबम अभी पूरा जल चढ़ा के यहाँ बैठे हैं तो ऐसा लग रहा कि स्वर्ग में बैठे हैं। पैर की हालत तो यूँ हो गई जैसे पैर थे ही नहीं कभी। रोना हारे अपने ऊपर, इतने स्प्रे मार दी पैर की जने लग गया है। इसे क्या हाल है इनका, जरा बताइए कैसा। बहुत दुख रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि सुई चुभ रहा है। स्प्रे कितना भी मार दूं नहीं जा रहा था, लेकिन अब फर्क पड़ रहा है। आने के बाद समझ में आ रहा है। सॉरी फॉर दैट।